नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सुंदर और आकर्षित पुष्प वाले एक औषधि के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। इसे हिंदी में तरवल के नाम से जानते हैं। इसका संस्कृत नाम पित्तकिरका है। इसे गुजराती में आवर के नाम से जानते हैं। पहले के जमाने में इसका प्रयोग चमड़े को रंगने के लिए भी किया जाता था, इसीलिए इसे चमड़ा रंगीन के नाम से भी जाना जाता था। यह बहुत झाड़ीदार वृक्ष होता है। यह भारत में सर्वत्र पाया जाता है। यह बंजर भूमि में और सड़क के दोनों ओर दिखने को मिल जाता है। तरवल का पौधा कम से कम 5 फीट ऊँचा होता है और झाड़ीदार होता है। यह खूब फैलता है। इसको पीले रंग के सुंदर पुष्प लगते हैं। यह बहुत ही आकर्षित होता है और इसके बाद जो इसमें फली लगती है वह बहुत ही आकर्षित और सरस फली की तरह ही लगती है। इसको पीले रंग के बहुत ही सुंदर और गुच्छों में पुष्प लगते हैं। इसके बाद इसे फलियां लगती हैं जो सिरिस वृक्ष के फली के समान होती है। इसकी फलियां लगभग 4 से 5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी होती है। यह ज्वर का नाश करने वाली व्रण रोपक और आँखों के लिए बहुत ही ज्यादा हितकारी होती है। यह हड्डियों को जोड़ती है और अतिसार को मिटा देती है। इस पौधे के पुष्प पीले रंग के अति सुंदर गुच्छे होते हैं। इस पौधे के फूलों के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान श्री राम जब सीता जी की खोज में निकले थे, तब इस पौधे के सुंदर खिले हुए पुष्पों को देखकर राम अति प्रसन्न हुए थे और राम ने इस पौधे को सीता जी के बारे में पूछा, लेकिन यह पौधा अपने पुष्पों की सुंदरता के घमंड में आकर राम को कोई जवाब ही नहीं दिया। तब गुस्से में आकर भगवान श्री राम ने रावण को यह श्राप दिया कि तेरे पुष्पों को कोई भी देव अंधकार नहीं करेगा और तेरे पुष्पों की खुशबू भी चली जाएगी। यह श्राप सुनकर यह पौधा बड़ा दुखी हो गया और श्री राम से क्षमा मांगने लगा। इस पौधे की क्षमा याचना सुनकर श्री राम ने इस पर दया कर अपना एक पांव उस पर रखा। माना जाता है उसी दिन से इसके बीज के अंदर राम के चरण चिन्ह आज भी देखे जाते हैं। यह एक दीप दंती है। अब जानते हैं कि इसके आयुर्वेदिक उपचार किस प्रकार से किए जाते हैं। इसके पत्तों को अपनी पलकों पर बांधने से आंखों का दर्द मिट जाता है। यह रक्त अतिसार तथा प्रवाहिका में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। इसके मूल की छाल को मुंह में चबाकर इसका रस मुंह में उतारने से अतिसार मिट जाता है और इसके अलावा इसके मुंह की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से प्रवाहिका अतिसार और आम अतिसार में बहुत ज्यादा लाभ होता है। इसकी छाल अतिसार, आम अतिसार, वमन और बदहजमी को भी मिटा देती है। इसके मूल का रस नमक के साथ पीना चाहिए। इसके पत्तों को मुंह में चबाकर इसका रस निकालने से मुंह के छाले मिट जाते हैं। इसके अलावा यह फोड़ा और फुंसी में भी बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होता है। इसके पत्तों की पुलटिश बनाकर बांधने से फोड़ा नरम होता है और पक जाता है। इसके सुंदर फूलों का काढ़ा बनाकर पीने से पेशाब के अधिकता दूर होती है। इसके अलावा इसके फूलों का गुलकंद बनाकर पीने से प्रदर और प्रमेह रोग में लाभ होता है। पेट के दर्द में इसके पत्तों को पीस कर लगाया जाता है और दर्द शांत होता है। इसके पत्ते और इमली के पत्तों को सूक्ष्म पीस कर थोड़ा सा धिकार बनाकर लुगदी बनाकर चोट या दर्द वाले स्थान पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा इसके पत्तों को लाकर उबाल कर सूजन और चोट वाले स्थान पर लगाने से यह पुलटिश बांधने से सूजन उतर जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह कितनी फायदेमंद है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।